राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में एक और अजीबोगरीब वाकया हो गया। वो यात्रा तो केंद्र सरकार के खिलाफ और कांग्रेस को जोड़ने के लिए निकाल रहे हैं, पर यूपी पर बात करते करते अचानक उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया कि अब वे वायरल हो रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी ने कहा कि वे हाल ही में बनारस गए थे, जहां उन्होंने देखा कि युवा शराब के नशे में रात में घूमते हैं, नाचते हैं। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि यूपी का भविष्य शराब पी रहा है। बस फिर क्या था, सत्ता पक्ष ने यह बयान उन्हीं के ऊपर उल्टा रख दिया कि आप यूपी के युवा को शराबी बता रहे हैं। हालांकि बयान था भी ऐसा कि बचाव मुश्किल था। सुनिए उन्होंने आखिर कहा क्या था। मैं वाराणसी गया, वाराणसी में देखा मैंने रात को बाजा बज रहा है, बाजा बज रहा है, वहां पे शराब पिए सड़क पे लेटते हुए बाजा बज रहा है। यूपी का भविष्य रात को शराब पिए नाच रहा है, डांस कर रहा है नशे में। दूसरी तरफ राम मंदिर खुलता है, राम मंदिर में आपको नरेंद्र मोदी दिखेगा, आपको अंबानी दिखेगा, आपको अदानी दिखेगा, आपको हिंदुस्तान के सबसे अरबपति दिखेंगे, आपको एक पिछड़ा नहीं दिखेगा, आपको एक दलित नहीं दिखेगा, आपको एक आदिवासी नहीं दिखेगा। क्यों नहीं? ये वो आपकी जगह नहीं भाई और बहनों, आपकी जगह सड़कों पे भीख मांगने की है। आपका काम हिंदुस्तान में सड़क पे जाकर ऐसे पोस्टर दिखाने का है, और उनका काम उनका कुछ नहीं हो भैया, उनका काम पैसा गिनने का है। आपके बच्चे जीएसटी देते हैं, आप जीएसटी देते हो, मीडिया के आप नाम क्या आपका, हाँ आप शिव प्रसाद जी हैं, आपके मालिक का क्या नाम है, आपके मालिक का क्या नाम है, क्या नाम है, नाम बताओ, नाम बताओ,